एनडीए एयरफोर्स नेवी के कैंडिडेट्स के लिए अनअकैडमी एक बार फिर से काफी सारे इंटरेस्टिंग बैच कोर्सेज और ऑफर्स के साथ आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर की, तो ऑफर ये है कि अगर आप एक साल का यानी 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएगी, और अगर आप 24 मंथ यानी 2 साल के लिए लेते हो तो 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी। और ये जो ऑफर है वो 1 से 31 अगस्त के बीच में अवेलेबल है, इसके बीच में लेते हो तभी आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा, तो आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें बैच कोर्सेज की, तो प्राइड एयरफोर्स XY की ये बैच कोर्स कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि लॉन्च कर दी गई है, एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो बैच कोर्स है वो 11 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में चलने वाली है। बेहद अच्छी चीज ये है कि एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करा था। दूसरे बैच कोर्स की बात करें तो ये विस्म एनडीए 2 बैच कोर्स है, ये एनडीए 2 के एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच कोर्स है, इसमें एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हो, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इनके बारे में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। स्टार्ट डेट की बात करें तो 11 अगस्त इसके लिए भी हो, और एंड डेट है इसकी 25 अक्टूबर, तो 11 अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच में ये चलने वाली है। एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बैच कोर्स है आपके लिए। एनडीए रिजल्ट में 1500 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करा था। इनरोल कैसे करना है, इनरोल करने के लिए आपको करना है एक और काम, लेकिन उससे पहले बता देता हूं 20% डिस्काउंट आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है। अगर आप कॉम्बो ऑफर के तहत लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 20% ऑफ भी मिलेगा, तो ये आप ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे बात करें तो यहां सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस तरीके से सभी चीजें खुल जाएंगी आपके सामने, आ जाएगा एक नया पेज, यहां पे डालना मेरा कोड जो कि है ABSTUDY10। अब कोड डालोगे और प्रोसीड टू पे करोगे, इस तरीके से कुछ डाल देना कोड को, और उसके बाद प्रोसीड टू पे करोगे तो अलग अलग करके आ जाएगा 12 मंथ 24 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ, इस तरीके से। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करना, पे कर देना, कंप्लीट करना, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपका होगा। जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, क्योंकि बैच कोर्सेज ऑफर सब दमदार हैं। एवरीवन कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AMR 2021 के बारे में। AMR का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव है, क्या क्या होता है सिलेबस में, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और न्यू स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी इस बार इंडियन नेवी AMR को क्रैक करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन नेवी AMR की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी कर देना आप लोग। और एक और चीज़, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, PDF और बाकी सारी डिटेल्स क्लासेस के रिगार्डिंग भी वहीं पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरा जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस जो AMR का है वो ऑफिशियल मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, एक एक चीज समझाने वाला हूं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बार AMR एग्जामिनेशन में। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, जैसा कि आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे कि सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट्स, तो ये मैट्रिक रिक्रूट के लिए है। इसमें सबसे पहले बेसिकली जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन से, 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। टाइमिंग आपको आधे घंटे की दी जाती है एग्जामिनेशन में, और एक नंबर एक क्वेश्चन पे आपको दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे जो होता है साइंस एंड मैथ्स का सेक्शन। ये क्या होता है, किस तरीके से होता है और कैसे इसके लिए तैयारी करनी है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से। सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं क्योंकि साइंस ही दिया गया है सबसे ऊपर। ऊपर है नेचर ऑफ मैटर, ओके। उसके बाद यूनिवर्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, सन जो होता है इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये हो जाता है। उसके बाद फोर्स एंड ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हीट टेम्परेचर मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है, हीट टेम्परेचर मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। मेजरमेंट्स इन साइंस, तो जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं साइंस के अंदर, लाइक किसका SI मात्रक क्या होता है उससे, साउंड एंड वेव, मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चार नंबर में है कि
आपका अब यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है, अर्थमेटिक जो पूछी जाती है, तो इसमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होते हैं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स होते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन भी पूछे जाते हैं आपसे, और बेसिक ट्रिगो जो होती है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो होती है 10th लेवल की, वो पूछी जाती है। सिंपल मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स के अंदर। उसके बाद है ज्योमेट्री, उसके बाद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन और मोड जो होता है वो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा टॉपिक हो गया जो कि साइंस में हमें कवर करना होगा, मैथ्स में हमें कवर करना होगा। अब एक एक करके समझाता हूँ। आपका जो 25 मार्क्स का होगा ये एक सेक्शन, यानी सेक्शन ए, इसमें से साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी साइंस के क्वेश्चन लगभग 13-14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और मैथ्स के 10-11 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, 10-11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स से। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होता है 25 मार्क्स का सेक्शन ए में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो है प्रॉपर जनरल अवेयरनेस है, इसमें पूरा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत, ओके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ज्योग्राफी। अब इसमें क्या है भाई, सॉयल से, रिवर्स से, माउंटेन से, उसके बाद पोर्ट्स, इनलैंड्स, हार्बर्स, ये सब जो है इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर के आसपास का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा है कल्चर एंड रिलीजन से, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट जो हमारी हुई है उससे, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे इंडिया के बारे में उससे, उसके बाद हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, जो अलग अलग राज्यों में कलाएं होती हैं और डांस होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स एंड नेवर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, ये सारे सवाल भी इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स में जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, लाइक कहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, या फिर सीआरपीएफ के चीफ क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। जज कौन है सुप्रीम कोर्ट में हमारे, सीजेआई कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस। लैंग्वेज पूछे जाते हैं, कैपिटल्स एंड करेंसीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो करेंसीज भी पूछी जाती हैं जो अदर कंट्रीज की हैं, कैपिटल्स पूछी जाती हैं, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो इमिनेंट पर्सनालिटीज, उसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, नेशनल, अब यहां पे देखना, बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। उसके बाद स्पोर्ट्स में देख लो, चैंपियनशिप से क्वेश्चंस होते हैं, विनर्स कौन हुए, जैसे अभी यूरो कप हुआ हाल ही में, उसका विनर कौन बना, उसका जो है उपविजेता कौन बना, टर्म्स यानी कि कौन से टर्म्स किस खेल में बोले जाते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स किस स्पोर्ट्स में, किस गेम में, किस टीम में कितने सदस्य होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, देखो आपको मैं बता देता हूँ कि इस एग्जाम में 50 में से आप चाहो तो 40 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो आपको, लेकिन टॉपिक का ही पढ़ना होगा। मैं देखता हूं बहुत सारे वीडियोस जो आपको देखने को मिल जाएंगे वो टॉपिक से बाहर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाना है, प्रैक्टिस सेट्स जितने लगाओगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करनी है और मेहनत आपको करनी होगी इसके लिए, कम से कम 4 घंटे तो देना होगा आपको पढ़ाई के लिए। जैसे मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ अनअकैडमी पे, तो वहां पे भी आप देख सकते हो और यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अब आपको एक चीज बताता हूँ, डेली जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का, मैथ्स का, ये सब आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट या फिर 2 प्रैक्टिस सेट वीकली मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। और इसमें एक चीज बता दूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस पूछे जाते हैं, खासकर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इसमें 90% या उससे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस रिपीटेड होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि इस शिफ्ट का उस शिफ्ट में आ जाता है, यानी शिफ्ट वाइज भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत ईजी है अगर बोला जाए तो, और बहुत टफ भी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी करते हो। तो अगर आपको इसको बेस्ट तरीके से क्रैक करना है, इजी आराम से क्रैक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे तैयारी करनी है। आप आराम से 2 मंथ अगर
मेहनत कर लो तो क्रैक कर लोगे इस एग्जाम को और आपकी जॉब लग जाएगी एमआर में, क्योंकि क्रैक करने के बाद फिजिकल होता है और मेडिकल होता है। फिजिकल 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस है, जो कि सबसे इजी है आई थिंक। तो ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल्स हैं। अब आपको तैयारी पे फोकस करना होगा, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना होगा। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अप्लाई कर दो आप इसके लिए, जरूर अप्लाई करना जब भी आपको मौका मिले और जब भी आप इलिजिबल हो। तो सेक्शन ए सेक्शन बी को मिलाकर टोटल 50 मार्क्स की तैयारी मैं कराऊंगा पूरी प्रॉपर, साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, मैथ्स का। और कहीं पे भी आपको अगर टॉपिक से अलग बाहर के क्वेश्चंस मिलते हैं वो देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब मैं करा दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं या कोई आपके सर्कल में है जो कि ये तैयारी करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कहां से तैयारी करें, कैसे इसके बारे में जाने, सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए तैयारी करना तो है ही, लेकिन जानना, कोई आपको बताए इसके बारे में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज, एग्जामिनेशन तक आपके साथ हूं, उसके बाद तक आपके साथ हूं। बस आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ज्वाइन करना होगा मुझे टेलीग्राम पर, इस चैनल पे, और बस ज्वाइन करके रखो। अब वीडियोस आपके लिए आनी शुरू हो जाएंगी, बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा और उसके बाद देखते हैं कैसे आपका जॉब नहीं होता है एमआर में। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तैयारी में लग जाओ और बस अब मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।